अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका खुश आमदी। तो नाज़रीन, मौसम बरसात ने एक बार फिर से साबित किया कि कराची के इदारे कराची के रिहायशियों को सुकून और हिफाजत मैसर करने में नाकाम रहे हैं। बदकिस्मती से 2020 की होने वाली भारी भरकम बारिशों के बावजूद भी कोई प्लानिंग मैकेनिज्म रिहायशियों को नहीं दिया गया कि अगर दोबारा से इस तरह से सैलाब आ जाते हैं तो वो किस तरह से अपना रिहाइश का बंदोबस्त करें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इस सुनने में आया है कि सिंध मंजिल सुकून अथॉरिटी बिल पास हुआ है 2022 में, जो कि अगर लॉ बन जाता है तो सूबाई हुकूमत के मुताबिक एक अच्छा म्यूनसिपल फंक्शन का किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ को एरिया वाइज ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी जाएंगी। जैसे कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी इस वक्त ट्रैश के मामलों को देख रही है, इसी तरह कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान के मामलों को देखेंगी, कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो नॉलेज की मैनेजमेंट को देखेंगी। नाज़रीन, क्या इन अथॉरिटीज़ और इन ड्यूटीज़ की जो डिवीज़न है इससे कोई रिलीफ की तवक्को रखी जा सकती है आवाम के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दो बड़े डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स किए थे जिनकी कहीं पर भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आई है। फर्दर मोर 18वीं तरमीम के तहत भी ब्यूरोक्रेटिक फुटप्रिंट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया था ताकि कराची, जो कि सिंध की मईशत में, पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इससे पहले भी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दो बड़े अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स किए थे लेकिन उनकी कहीं पर भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आई। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत भी ब्यूरोक्रेटिक फुटप्रिंट को बहुत मजबूत किया गया ताकि कराची, जो कि पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है, उसके हालात को बदला जा सके, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहाँ पर भी आवाम का पैसा तो इस्तेमाल हुआ लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। नाज़रीन, आखिर कराची के हालात कैसे बदले जा सकते हैं, सवाल कौन करे और किससे करे, और किस तरीके से हम लोग आइंदा आने वाले सालों में कराची को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कराची के बगैर पाकिस्तान को चलाना, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस भी आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्राइसिस भी आ रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है, उसका जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इस वक्त अहम ज़रूरत है कि हम कराची के हालात को बदलें और इस पर एक ख़ास तौर पे जो भी बिल्स पास हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत को अकाउंटेबल करें। इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।